कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह का एक कराहल, फूल से पंजे में आए कई कार्यकर्ता, पूर्व सीएम सिंह ने दिलाई सदस्यता। खबर कराहल से है, जहां प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दिग्विजय सिंह अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यकर्ताओं की चुनावी सभा लेने रात 9:30 बजे सभा स्थल कराहल पहुंचे, जहां उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं की चुनावी तैयारियों का जायजा लिया, चर्चित मुद्दों के बारे में और अधिक जानकारियां दी। वहीं दिग्गी राजा ने भाजपा को बिकाऊ बताते हुए जमकर साधा निशाना और भाजपा को आदिवासी विरोधी सरकार बताया। अपने भाषण में आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए कांग्रेस की सरकार बनने पर उनके हितों का अधिकार लाने की बात कही और क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की बात कही। वहीं विजयपुर से कांग्रेस प्रत्याशी रामनिवास रावत ने भी अपने अभिभाषण में कहा कि सरकार बनने के बाद फिर से गरीब और आदिवासी समाज के लिए जमीन के पट्टे दिलवाए जाएंगे, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन लागू की जाएगी। वहीं इस मौके पर कराहल कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष प्रताप सिंह दिग्गी राजा का तिलक कर और साफा बांधकर स्वागत किया। सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी रविंद्र पाठक और कांग्रेस नेता मुकेश मुद्गल के प्रयासों से एक सैकड़ा लोगों को कांग्रेस का दुपट्टा पहनाकर कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई, जिसमें कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस की सदस्यता ली और कांग्रेस परिवार का हिस्सा बने। देर रात हुई सभा में आदिवासी समाज से भी बहुत लोग शामिल हुए, जिन्होंने दिग्गी राजा के सामने संकल्प लिया कि इस बार कांग्रेस पार्टी का भरपूर साथ देंगे। वहीं देर रात के प्रोग्राम में भी कार्यकर्ताओं की इतनी भीड़ देखी, दिग्विजय सिंह ने उनका स्वागत किया। सभा स्थल पर सुरक्षा और प्रोटोकॉल के पालन में बड़ौदा SDOP प्रवीण अष्टाना सहित भारी सारा पुलिस बल मौजूद रहा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि शहरिया जाति अति पिछड़ा अनुसूचित जनजाति में आती है और आपके खाते में जो कुपोषण के 1,000 रुपये जमा होते हैं, ये केंद्र सरकार की योजना थी, मध्य प्रदेश सरकार की योजना नहीं थी। क्योंकि हाँ, जंगली जानवर हमारे लिए जरूरी है, उनके पर्यटन के लिए और उनके कंजर्वेशन के लिए, लेकिन हमारे आदिवासी लोगों की जमीनें उसका अधिग्रहण हो तो उनको तब तक ना हटाया जाए जब तक कि उनके पास दूसरी जमीन ना दे दी जाए, तब तक उनको हासिल नहीं होता। और वो लड़ाई आपकी, हम लड़ने के तैयार हैं और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो मैं और रामनिवास रावत जी हम वादा करते हैं कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा। जब तक आपको दूसरी जमीन और दूसरे गांव में बसने की जगह नहीं मिलेगी, हम आपको वहां से नहीं हटाएंगे। मैं आपको दावे करता हूं। दादा कहाँ गए? जान दो। बाबू जी क्या नाम है आपका? उमा शंकर शर्मा, मैं बरगवा क्षेत्र को बिलोंग करता हूँ। आप बरगवा क्षेत्र से आए, क्या कह गए हैं दिग्विजय सिंह जी, क्या लगता है क्या अंतर आएगा चुनाव में इससे? देखिए, आप लोग चप्पे चप्पे पर घूम रहे हैं, चप्पे चप्पे की खबर आपको है और आप ये प्रश्न मेरे से कर रहे हैं। आपको हमसे पहले ये पता है पूरे विधानसभा क्षेत्र में, विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में, कि राम निवास जी को जिस दिन नामांकन पत्र दाखिल किया उसी दिन जीत हो गई थी। जब आप लोगों ने देखा होगा कि विजयपुर में कितना अपार जन समुदाय उनके नामांकन भरवाने के लिए गया था, कराल क्षेत्र में रैली उनकी हुई, निरंतर रैली हो रही है, इतना जन समर्थन उनको मिल रहा है कि मुझे लगता है कि आपको आंकड़े और आपको जो सारे सारे परिणाम, जो पूर्व परिणाम का आभास होता है, वो आपको हो चुका होगा। और रामनिवास रावत तो निश्चित, काफ़ी पहले से ही उनकी जीत सुनिश्चित हो गई थी और वो हजारों हजार वोट से निर्वाचित होंगे। 3 तारीख के चुनाव में आप सबके सामने हमारा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। यदुराज जी मौजूद है हमारे साथ, जो कि जिला उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के। यदुराज जी क्या कुछ कह रहे हो, दिग्विजय सिंह के प्रोग्राम को किस तरह देखते हो? दिग्विजय सिंह का प्रोग्राम काफी अच्छा रहा है और आज का जो प्रोग्राम है उसको देखकर कार्यकर्ताओं में जो उत्साह भरकर गए हैं और जनता में जो उत्साह दिख रहा है, उससे निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लहर तो है ही, लेकिन विजयपुर में कांग्रेस एक बहुत बड़ी बढ़त की ओर जा रही है और मैं निश्चित रूप से विश्वास दिलाता हूं आपको कि एक बड़ी जीत कांग्रेस विजयपुर में करने जा रही है। और जो आदिवासियों के लिए बहुत अच्छी योजनाओं के बारे में आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने बोला,
वो एक बहुत ही सराहनीय है। चाहे उनकी जो जमीन के पट्टे जो भाजपा सरकार नहीं दे पाई है पिछले समय में, या उनको जो बेरोजगार युवा रोजगार के लिए घूम रहे हैं उनके लिए एक अच्छा अवसर की बात दिग्विजय सिंह जी ने आज की है। और दिग्विजय सिंह जमीन से जुड़े नेता हैं और आदिवासी तेजी नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं। थे अभी जो कांग्रेस की आम सभा की है दिग्विजय सिंह ने, किस तरह देखते हो, क्या ताकत बढ़ी है, कितना फायदा कांग्रेस को इस सभा से होगा? इस सभा से लगभग इस सभा में 4-5 हजार आदमी लगभग 11 बजे रात को हैं, ये आप लोगों ने भी देखा है, सब लोगों ने देखा है, और आदिवासी समाज ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है। और आज जो भी हैं हम इस एरिया के लोग, वो दिग्विजय सिंह जी की बदौलत हैं। हर घर में एक दो टीचर हैं जो ब्लॉक लेवल पे भर्ती करवाई, वो दिग्विजय सिंह जी ने करवाई थी, और जो 2003 में पट्टे दिए वो ही सब लोगों के पास वो पट्टे मिले हैं। और कांग्रेस अच्छी मात्रा में बढ़ के जाएगी इस बार, आदिवासी समाज फुल पूरे साथ दे रहा है, ये मान लो आप। आप निर्दलीय भी तो आदिवासी एक चुनाव लड़ रहे हैं, उनको क्या वोटिंग नहीं होगी क्या फिर इसमें? वोटिंग होगी पर कोई ज़्यादा मात्रा उसकी रहेगी नहीं, क्योंकि पढ़ा लिखा वर्ग है, आदिवासी समाज सब समझता है कि हमारा वोट कहाँ देना है, दो ही पार्टी फाइट में है। महाराज की सभा में दिन में 12 बजे 500 आदमी, और राजा साहब की सभा में रात को 12 बजे 5000 आदमी, इससे अंदाजा लगा लो तुम कि चुनाव किस ओर जा रहा है। तो रात में प्रोग्राम हुआ है दिग्विजय सिंह जी का, जो महाराजा दिन के 12 बजे नहीं कर पाए थे वो राजा साहब रात के 12 बजे करके गए, और 5000 की जनसंख्या उनके प्रोग्राम में अभी हुई है, और महाराजा साहब के में 500 की जनसंख्या हुई थी। आप खुद देख रहे हो, आपने वहाँ भी जाके देखा था और यहाँ भी देखा है, जो रात के 12 बजे हुआ है वो रात दिन के 12 बजे नहीं कर पाए थे महाराजा साहब। इसी को देख के आप देख लो कि कांग्रेस कितनी बढ़त बना के आगे जा रही है और बीजेपी का स्तर कितना नीचे और कितना डाउन होता चला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ शर्मा है और मैं बरगवा मंडल अध्यक्ष हूँ। सौरभ जी, क्या कहना चाहते हो, ये जो आज आयोजन था, जो सभा उन्होंने कार्यकर्ताओं के लिए दिग्विजय सिंह जी आए, दिग्गज नेता, क्या कुछ लग रहा है उनके आने से, क्या अंतर आएगा? निश्चित रूप से राजा साहब के आने से हम लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है, और जितने भी कार्यकर्ता युवा कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वो पूरे तन मन से अपने लगे हुए हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और इसकी उपलब्धि हमें ज़रूर मिलेगी। क्या है मुद्दा इस बार, क्या लेके जनता के बीच जा रहे हो आप? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ एक हमारा जो आदिवासी समुदाय है, ये ट्राइबल क्षेत्र आता है, यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या है बिजली की है, पानी की है। क्या कुछ उत्साह भर गए हैं कार्यकर्ताओं में? कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह बढ़ा है इनके आने से इस एरिया में, जैसे कि बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, लोगों को ऐसा लगा है कि हम अब कांग्रेस पार्टी को जिताएं, और समथिंग समथिंग उनके आने से कुछ नहीं 10-12 हजार वोटिंग तो बढ़ गई, और ये निश्चित है कि अब की बार हमारी सरकार बननी बननी है, और उन बाबा के आने से बहुत फायदा हुआ है और लोगों में है उत्साह, काफी उत्साह आया है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, कैसे देखते हो इसे? बहुत अच्छा लगा, बहुत लोग आए हैं, बहुत आम जनता आई हुई है, और हम बहुत बड़ी विजय विजयपुर से कर रहे हैं। बीजेपी की भी लहर इस बार चल रही है, क्या लगता है सीट इस बार निकल जाएगी? हमारे क्षेत्र में बीजेपी का कुछ काम नहीं है, पहले सीताराम जी को बता गया है और सीताराम जी भी इस बात को जान रहे हैं, इसलिए वो हमारे सामने भी आने से बहुत डरे हुए हैं। उन्होंने जो भी किसी को किया है या जातिवादी को जो समझौता किया है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, विजयपुर में बड़ी जीत हमारी हो पा रही है।